कहाँ गई थी तुम? क्या हो गया? जो बात तुमसे पूछी जा रही है उसका जवाब दो। कहाँ गई थी? अरे यूनिवर्सिटी गई थी मैं। सच सच बताओ, किससे मिलके आ रही हो? क्या चक्कर चल रहा है? कोई चक्कर नहीं चल रहा है मेरा। यूनिवर्सिटी गई थी और कहा जब दादू? सच तो मैं इसके हलक से निकलवाऊंगी। सच सच बताओ तुम कहां से आ रही हो इसका? ये क्या बताएंगी, न जाने ये चक्कर भी कब से चल रहा। तुम बताते क्यों नहीं हो? सांप क्यों सूंघ गया है तुम्हें? डिटाई की सारी हदें आज इसने अबूर गई। चुप कर जा। और करें इसके साथ नेकी? बड़ा शौक था आपको पढ़ाने का। बस कर जाए मम्मी। अम्मा आप रिलैक्स हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। सियाने सही कहते, जैसी माँ वैसी बेटी। आज से इसका कॉलेज, इसका यूनिवर्सिटी जाना बंद। नहीं चाहिए मुझे इसकी डिग्रियां बिग्रियां, नहीं चाहिए मुझे। घर में बैठाओ इसको, घर में बैठाइए। जैसा आप कहेंगे। आप अम्मा आपने देखा नहीं वो कैसे घूर घूर के सबको देख रही थी? मेरी बेटी होती ना तो दिमाग दुरुस्त कर देती दो मिनट में। चुप कर जाओ तुम, बस पानी लाओ अम्मा के लिए। मैं तो चुप कर जाऊंगी, लेकिन जब दुनिया को पता चलेगा तो फिर किस किस की जबानें पकड़ेंगे। आपका ब्लड प्रेशर, आपकी तरह आपकी भी ध्यान रखें। पता नहीं ये चक्कर भी कब से चल रहा है, क्या क्या गुल खिलाएगी आगे जाकर। हेलो, क्या हुआ ममता, खैरियत है? कहा था ना मैंने मुझे मत लेकर जाए अम्मी से मिलाने, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। अब देखे नतीजा क्या हुआ ममता। हाँ, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? ये पूछे किसने क्या नहीं कहा। मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी आपकी अम्मी ने, इससे अच्छा तो मुझे मौत आ जाती है। ममता क्यों कर रही हो तुम ऐसी बात? और क्या करूं, जब किसी का वाली वारिस नहीं होता ना उसके साथ यही सलूक होता है। फॉर गॉड सेक ममता बताओ तो सही, हुआ क्या है? अम्मा वो माने आए थे यूनिवर्सिटी मुझे पिक करने के लिए। उनको लग रहा है कि मेरा चक्कर चल रहा है किसी के साथ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड है जिससे मैं घूम रही थी सारा दिन। ओह गॉड, वो क्या करने आए थे वहां? बताया तो है कि मुझे पिक करने आए थे। कहा था ना मैंने आपको ऐसा ना करे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। अब देखिए नतीजा। अच्छा तुम रोना बंद करो, मैं अभी आ रहा हूँ, आके सब सेटल करते हैं। रोना बंद करो प्लीज। कोई जरूरत नहीं है, इस सब आपकी वजह से हुआ, सब आपकी वजह से हुआ। फिर मुंतहा बता क्यों नहीं देती कि वो कहाँ गई थी? मुझे तो लगता है उसका कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। इवन शर्म करो, इतना बड़ा इल्जाम किसी पे ऐसे भी लगा दिया तुमने। भाई तुम कुछ भी कहो, मुझे ना मुंतहा से बहुत अजीब सी वाइब्स आ रही है। लगता है तुम पे भी मामा की बातों का असर हो गया। तुमने उस दिन देखा था जब रुहेल भाई घर पर आए थे, इतनी उसने गलत बयानी की थी। Excuse me. Hello? हाँ भाई, तैयार हो? चलें शॉपिंग पे। अभी नहीं जा सकते रुहेल, इस वक्त घर में बहुत टेंशन है। नहीं अब ये मत कहना कि मुंतहा ने फिर कुछ कर दिया। कुछ ऐसी बात है। अब भाई क्या लड़की है ये, हर वक्त कोई ना कोई मेस क्रिएट करती रहती है। अब क्या कर दिया इसने? मेरे भाई आ रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ, कॉल करो मुझे। अस्सलाम वालेकुम।
भाई को क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों थे? मैं देखती हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि आनिया के लिए अगर एक के बजाय दो बड़े सेट बनवा लिए जाएं तो कैसा है? जैसे आपकी मर्जी है ना, क्योंकि ये एक बात तो ये कि वो मेरी भांजी है और दूसरी पहली पहली बहू भी है, बनता तो है ना इतना। आपका तो बस नहीं चल रहा कि आप ना सारी दुनिया उठा के ना उस आनिया की बच्ची के कदमों में रख दे। आनिया की बच्ची? ऐसे नहीं कहते, रोहिल को बुरा लग सकता है, भाभी कह दो, भले तुम्हारी दोस्त है लेकिन ऐसे निकाह करो, मेरा दिल चाह रहा है ताड़े तोड़ के ले आऊं। उसके लिए ना कोई तमीज का नाम आ ही नहीं सकता। अरे भाई ये तुम्हारे बाबा पता नहीं कहाँ रह जाते हैं। मैं एक सेकंड जरा फोन करके आई। अब क्या घूंगे का गुड़ खाए बैठी रहोगी या कुछ बताओगी भी कि कहाँ खाक जानने गई थी? पहले वो खाक तो झाड़ लूं जो आप लोगों ने मेरे सर पे डाली है। ये जो तुम्हारी इतनी बड़ी गज भर की जबान है ना, किसी दिन काट के तुम्हारे हाथ पे रख दूंगी मैं। काट ही रहे आप मेरी जबान, शायद इसी तरह आप लोगों को ठंड पहुंचे। बिल्कुल यही हरकतें तुम्हारी माँ की भी थी। कुछ ना कुछ तो आप लोग भी करते होंगे ना, वरना किसी का दिमाग तो खराब नहीं होता कि वो इस तरह करे। आज उसके साथ तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है? जो मेरे साथ कर रहे हैं वही उनके साथ करते होंगे, तभी तो वो घर छोड़ के भाग गई, वरना इस तरह कौन जाता अपना घर। बस बंद करो, सच सच बताओ तुम कहाँ गई थी? वो जहन्नुम आप लोगों ने मेरी माँ के नसीब में लिखी, कहाँ गई थी? शामीर के साथ गई थी। अगर यकीन नहीं आता तो पूछ ले जाकर शामीर से, वही लेके गया था मुझे, आपका पोता। मम्मी कम अज कम आपको इल्जाम लगाने से पहले पूछ लेना चाहिए था कि मैं उसे कहाँ छोड़ कर आया हूँ। दिमाग खराब हो गया था तुम्हारा जो तुम उसे उसकी माँ के घर छोड़ने चले गए? बीमार हैं वो, रिक्वेस्ट की थी उन्होंने, इतना कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? जब तुम्हारे बाप को पता चलेगा ना वही बताएंगे तुम्हें। ठीक है, लेकिन ये जो आपने एक मासूम लड़की पे बिलावजह इल्जाम लगाया ना, इसका हिसाब देना पड़ेगा आपको रोजे महशर में।